आईटीओ बैराज पर बंद गेटों को खोलने की कवायद शुरू हो गई है। नेवी के जवान यहां पर आ गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपने सारे साजो सामान लेकर आए हैं। यहां पर रस्सी भी है, ये नाव भी है, साथ ही साथ ऑक्सीजन यानी पानी के अंदर घुसना हो तो ऑक्सीजन का ये मास्क भी है, हाई क्वालिटी का। ये मुंबई से आए हुए नेवी के जवान हैं तो हाई क्वालिटी का इनके पास यंत्र संयंत्र सारी टेक्निक है और रस्सी भी है जो बहुत ही परंपरागत साधन है उसका भी ये इस्तेमाल करेंगे और जितने भी साधन हो सकते हैं उसका ये इस्तेमाल करके इन गेटों को खोलने की कोशिश करेंगे। लगभग 24 घंटे से ये कोशिश में लगे हैं। कल उन्होंने एक गेट खोला था, आज चार गेट को खोलने की बात की जा रही है कि पांच गेटों में से एक गेट को खोलने में इन्होंने कामयाबी पाई थी, आज चार गेट ये खोल लेंगे। इस वजह से ये काफ़ी मुस्तैद और चुस्त हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यमुना में उतरने की जो कवायद है वो शुरू हो रही है। आईटीओ बैराज पर नेवी के जवान जैमिनी जो ये नाव है इसको अंदर डाल रहे हैं और सारे यंत्र तंत्र के साथ अंदर जा रहे हैं। गेट खोलने की कवायद की जा रही है। जो दिल्ली है उसे बाढ़ और पानी की विभीषिका से बचाने के लिए मुंबई से आए नेवी के जवान मुस्तैद होकर इस नाव के जरिए चढ़कर गेट को खोलने की कोशिश करेंगे। कल इन्होंने एक गेट खोल दिया था, आज चार गेट बंद जो हैं उन्हें भी खोलने की ये बात कर रहे हैं। लगातार चुस्ती और मुस्तैदी के साथ इन जवानों को आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये पूरा भरोसा दे रहे हैं कि दिल्ली को हम बचाएंगे और दिल्ली को सुरक्षित करेंगे और ये जो बंद गेट है उसे खोल देंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ वीरेश पांडे, आईटीओ बैराज से। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP News पर।